फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जो बच्चे का जो फीडिंग शेड्यूल है बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए, बच्चा हर 2 घंटे में फीड करे और आपको भी दिक्कत ना हो? तो फिर आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगी, सारे ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीओ प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौन कौन से फीडिंग होती है? आप एक्सप्रेस करके फीड करवा रहे हो, बॉटल से फीड करवा रहे हो, या फिर कॉम्बिनेशन फीड करवा रहे हो? ये तीनों जो फीडिंग होती है वो किस तरह से सेट करें कि बच्चा सही से दूध पिए और टाइम से पिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मदर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या क्या होती है। पहली कि ना, बच्चा बहुत ज्यादा टाइम तक सोता है और उसकी वजह से उसका जो फीडिंग का टाइम है वो डिले हो जाता है। ताकि बच्चा ना बहुत ज्यादा जागता है तो फिर कितने टाइम में पिलाना चाहिए। दूसरा कि बच्चा है ना, तीसरा जो बच्चा है पीते ही उल्टी कर देता है, उसे बहुत ज्यादा कॉलिक होता है और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है, और बच्चे का जो वजन है वो नहीं बढ़ रहा है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और बच्चे को कॉम्बिनेशन फीडिंग दे सकते हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर मदर को आते हैं। चलिए सारा चीजों का सॉल्यूशन देती हूँ अब। यार, नंबर 1 कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडेड है तो फिर कोशिश कीजिए कि दिन में उसे उठा के ज्यादा से ज्यादा फीड करवाइए ताकि आपको रात का जो नींद है वो बहुत अच्छे से मिल सके। अगर बच्चे ने ना दिन में सारे फीडिंग जो उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर ली है तो रात में 4 घंटे तक वो आराम से सो सकता है, जिससे आपकी भी नींद पूरी हो जाएगी। अगर आपने दिन में नहीं कराया तो रात में उठ उठ के पिएगा जरूर। नंबर 2, अगर आपका बच्चा छोटा है, 40 डेज के अंदर है, तो फिर आपको जो दूध है हर 2-2 घंटे में पिलाना है, ब्रेस्ट फीड हो या एक्सप्रेस मिल्क हो या फिर फॉर्मुला मिल्क हो। जैसे ही 40 डेज कंप्लीट हो जाते हैं बच्चे के और डॉक्टर भी ओके बोलता है, बच्चा एकदम परफेक्ट है, हेल्दी है, तो फिर आप ऑन डिमांड फीडिंग पर भी जा सकते हैं। ऑन डिमांड मतलब कि जब बच्चा उठ के खुद से होके दूध मांगता है ना, तो वो ऑन डिमांड फीडिंग होती है, उस पर भी जा सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि हर 2-2 घंटे में बच्चे को उठा के दूध पिलाना। टिप नंबर 3, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो स्टार्टिंग के जो 5-6 दिन होते हैं ना, आपको दोनों ब्रेस्ट से फीड करवाना है। तो 15 मिनट इधर से तो 15 मिनट उधर से, दोनों ब्रेस्ट से फीड कराना है। जैसे ही 5-6 दिन फ्री हो जाते हैं बच्चे के साथ, आपका ब्रेस्ट फीडिंग सेट हो जाता है, तो क्या करना है कि हर जो 2 घंटे में आप पिला रहे हो, पहले आपको एक लेफ्ट वाले ब्रेस्ट से पिलाना है, फिर दूसरे ब्रेस्ट से पिलाना है। इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने 12 बजे लेफ्ट वाले ब्रेस्ट से पिलाया है तो 2 घंटे बाद 2 बजे राइट वाले ब्रेस्ट से पिलाना है, एट द टाइम एक ब्रेस्ट से पिलाना है। नंबर 5, अगर आपका बच्चा बॉटल फीडेड है तब आपको क्या ट्रिक आजमानी है? जब आप बॉटल फीडिंग करवा रहे हो ना बच्चे को हो सकता है 90 डिग्री तक बैठा लीजिए, नहीं हो पा रहा है तो 70 to 80 डिग्री तक अपने हाथ में इस तरह से लेटाना है, और आपको जो बॉटल है वो इस तरह से पकड़ना है सीधा में, और 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा टेढ़ा करना है, निप्पल में दूध आ जाए, फिर उसके बाद सीधा कर लेना है। इससे ये होगा, इसे पेस फीडिंग कहते हैं। इससे बच्चे के मुंह में बहुत ज्यादा दूध एक साथ नहीं जाता है और ओवर फीडिंग नहीं होती, जितना उसे लगता है चाहिए पीना चाहिए उतना वो पीता है। इस तरह से पिलाएंगे ना तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग दोनों एक साथ चल सकता है। नंबर 5 ये रहेगा कि बच्चे है ना बर्प करवाना है या नहीं करवाना है। फ्रेंड्स, बच्चे को बर्प करवाना है। जब वो बच्चा ना ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड लेता है ना, बहुत सारा एयर भी गल्प कर लेता है, जिसके वजह से उसे पेट में दर्द होना शुरू हो सकता है। अगर आपने फीडिंग के बाद बर्प करवाया है ना, तो जो गैस की वजह से पेट में तकलीफ होती है, दर्द होता है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि फीडिंग के दौरान भी बच्चा बहुत ज्यादा अंगड़ाई इस तरह से लेता है, तो उस दौरान आपको है ना उसको फीडिंग बंद करनी है और धकार देना है। धकार देने से उसे ना बहुत आराम मिलेगा। सपोज ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है और उस टाइम ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे काफी बार ना बर्प नहीं लेते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ना उसे वर्टिकली 5 मिनट तक ऐसे रखना है। अगर बर्प किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है,
है उसे फिर उसके बाद अपने पोजीशन में लिटा देता है। नंबर सिक्स, कई बार क्या होता है ना, मदर्स को जाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि बच्चे को कितना दूध जा रहा है, कितना पेट भर रहा है, कितना एमएल दूध जा रहा है बच्चे के पेट में जब वो ब्रेस्ट फीडिंग रहता है। तो फिर कई मदर क्या करती है, ब्रेस्ट पंप मंगाती है और निकाल के देखती है कि इतना एक टाइम पे पी रहा है, मतलब इतना जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है ऑन डिमांड होनी चाहिए, कितना भी जाए अच्छा ही है, बच्चे के लिए कोई हानिकारक नहीं है और जितना पी सके उतना पी ले। आप ब्रेस्ट पंप से निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चा फॉर्मुला फीडेड है तो डब्बे पे लिखा होता है कि एक एट अ टाइम 120 ml जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है 120 ml जाना चाहिए, बच्चे को जितना भूख रहेगी उतना ही पिलाना है, उसे ज्यादा नहीं पिलाना है। नंबर सेवन, बच्चे को ऑन डिमांड फीडिंग करना जरूरी है, मतलब कि जब उसे भूख लग रही है तभी उसको फीड करना है, वो एकदम करेक्ट है। पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि बच्चा है ना 6-6 घंटा सो रहा है फिर भी आप उसको फीड नहीं करवा रहे, दिन में अगर 6-6 घंटा सो रहा है फिर भी फीड नहीं करवा रही, ये एकदम गलत है। बच्चे का जो वेट गेन है वो है ना 200-300 ग्राम्स तक बढ़ना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है तो आपका जो फीडिंग है वो सही नहीं जा रहा है, स्किप फीडिंग हो रही है। प्लस अगर पूरा दिन में बच्चा ने सिर्फ 2 ही बार सुसु किया है तो ये भी गलत है, आपका जो फीडिंग है वो सही नहीं जा रहा है। इस दौरान आपको है ना बच्चे को उठा उठा के दूध पिलाना है, मेडिकली सब सही होगा तो ही आपको स्किप फीडिंग सेशन करना है। बहुत सारी मदर्स क्या करती है, बच्चे का जो पेट है वो दबा दबा के चेक करती है कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, कई बार ये बोलती है कि धक्का नहीं आया तो इसका मतलब बच्चे का पेट नहीं भरा है, ऐसा नहीं है पेरेंट्स। बच्चे का जो पेट है ऑलरेडी भरा होता है, वो ये सारे साइंस का मतलब नहीं होता कि भरा है या नहीं भरा है। बच्चा अगर बार बार ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको भूख लगी है, अगर आपने जस्ट फीडिंग कराई वो ऐसा खेलता भी है, इसलिए ना बार बार ये नहीं जज करना है कि उसको भूख लगी है। इसी पॉइंट नंबर 9 है कि समझेगा कैसे कि बच्चा पीसफुल तरीके से दूध पी चुका है या नहीं। चलिए जानते हैं कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं जब पेट भर जाता है, कि ढक्कन ले लिया इसका मतलब पेट भर गया है, बच्चे का पेट ऊपर आ गया इसका मतलब पेट भर गया है, ये नहीं है सिग्नल। बच्चा जो है दूध पीते ही आराम से पीसफुल तरीके से खेल रहा है, जाग रहा है और शांत है, रो नहीं रहा है या फिर पीते पीते सो गया है पीसफुल तरीके से, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बच्चे का जो पेट है वो भर रहा है। इसके अलावा बच्चे के जो वेट है वो सही से चल रहा है तो भी बच्चे का पेट भर रहा है। इसका लास्ट पॉइंट नंबर 10, जब बच्चे का फीडिंग जो शेड्यूल वो सही से नहीं होता है, मतलब कि स्किप फीडिंग हो रही है, ब्लड आपका जो मिल्क है वो सही नहीं हो रहा है, तो अब क्या करना है, बच्चे को बार बार उठाना है और फीड करवाना है। इससे ये होगा कि ब्रेन को लगेगा बच्चे को भूख ज्यादा लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा दूध बनेगा और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपका जो मिल्क है वो इसे बनने लगा है। अगर आपका बॉटल फीडेड बच्चा है तो फिर आपको लगता है कि आपका बच्चे का पेट है वो ज्यादा दुख रहा है, कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो एक काम कीजिए, जो ब्रांड आप यूज कर रहे हैं ना उस ब्रांड के अलावा दूसरा ब्रांड आप देखिए कि वो बच्चे को किस तरह से सूट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एक ब्रांड बच्चे को सूट नहीं करता है, दूसरा ब्रांड सूट कर जाता है, तो आप ये सारे चीजें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 10 टिप है आप फॉलो कीजिए अपने ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में, तो फिर आपका जो बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल है बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और बच्चा भी एंजॉय करेगा, आप भी एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड लोगों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं प्रिय प्रिंस, यहां तक वीडियो देखा धन्यवाद, चलिए बाय।